हम पास पेपर कर रहे थे जी, लेट्स सी, आपने ऑप्शन बताने हैं और इसकी रीजन बताने हैं। जी बच्चों, इज इज मेड ऑफ, इज मेड ऑफ क्यों लगाना है जी? क्योंकि जो एक जी इसके अलावा वो तो इज के लिए हो गया ना, तो आपने क्या होगा उस वो क्यों लगाना है? बस पैसिव में बना रहे हैं, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। पैसे में बना रहे हैं इसलिए हमने उसके साथ इस्तेमाल करना है इज मेड ऑफ। शाबाश, गुड हो गया जी। नेक्स्ट वाला जी, कीप अवे, कीप अवे, कीप अवे क्यों कीप लगाना है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ है। प्रेजेंट डेफिनिट में लगाते हैं, इंपेरेटिव में लगाते हैं। इम्पेरेटिव में यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, किसी को सजेशन होती है, तो सजेशन किससे शुरू करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। एडवाइस या सजेशन किससे शुरू करते हैं? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस यहाँ पे कीप्स अवे क्यों नहीं आया? जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस में बेटा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट ठीक है। इसलिए क्या होगा? कीप्स अवे होगा, कीप अवे होगा। फॉर्म, कीप जैसे आपकी मामा ने आपको कहना हो कि चाय ले आओ, तो क्या कहेंगी? ब्रिंग होगा, ब्रिंग्स होगा, अ कप ऑफ टी। ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग। जी ब्रिंग होगा। जी शाबाश। नेक्स्ट वाला, Was born. वॉज बॉर्न क्यों लगाना है? Born. पास्ट ईयर जब आ जाए, पास्ट ईयर आ जाए तो हम क्या टेंस लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। और बॉर्न होना, क्या Past indefinite. बॉर्न होने का असलम सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा? Subject. ऑब्जेक्ट होगा। पैदा होना हमेशा क्या होता है? एक्टिव एक्शन है, पैसिव एक्शन है? पैसिव एक्शन है, तो इसलिए क्या होगा? वॉज बॉर्न हो जाएगा। जी बिकॉज़ जी स्टोलन, हेड स्टोलन क्यों लगाया जी आप? क्योंकि हेड जो चीज पहले हो चुकी हो उसे परफेक्ट में राइट करना है। जी कन्फेस आपने पास्ट में किया, और जो स्टोल किया वो उससे भी, स्टील किया वो उससे भी पहले किया। जी बच्चों नेक्स्ट वाला, केम, क्यों केम क्यों लगाएंगे? लास्ट मंथ, लास्ट मंथ है तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे वहां पे। जी बच्चों नेक्स्ट वाला जी, कम ऑन डिशेवल्स। डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड हो गया, बाल जो है ना बिखरे हुए हैं। जी नेक्स्ट, स्केचेस, ब्लूप्रिंट क्या होंगे? स्केचेस होंगे, डिजाइन जो खाके होते हैं उसको कहते हैं। कौन स्पेसिफाई? काम, काम, उसको क्या किया? उसको तसल्ली दी। किसको? गेस्ट को, सॉरी स्लेव को। जी उसके बाद जी, अब जरा बताइएगा जी कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा? पहला तो मैंने बताया था, दो तरीके हैं। पहले सेंटेंस में आपने बैकग्राउंड में मीनिंग समझना है, और दूसरा आपने अपने ऑप्शंस को एनालाइज करना है।
तो ये दो मेथड से आपको किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझ सकते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा आएगा बताइएगा, कौन से दो वर्ड हैं वो तकरीबन सिमिलर मीनिंग में हैं? पॉश एरियाज और बिग सिटीज क्या है, ये अच्छे पॉजिटिव कॉनोटेशन में है, और पुअर डिवेलिंग्स जो है ये क्या है, नेगेटिव कॉनोटेशन में है। तो स्लम्स क्या है, झोंपड़ियों को कहते हैं, तो क्या होगा, पुअर डिवेलिंग्स आ जाएगा। जी बच्चों नेक्स्ट। कमान शादी तक क्या होता है, बच्ची को कहाँ पे बिठाया जाता है? तख्त पे बिठाया जाता है, पैशन में, लव में, या प्राइवेसी में? प्राइवेसी सर। जी आप मजे की बात देखें, अभी तो आप नए दौर की पैदावार हैं, जो हमारा दौर था हमसे बल्कि पहले, हमसे भी पहले, जब हम छोटे छोटे होते थे तब शादी जो है वो उसके लिए 7 दिन तकरीबन, राउंड अबाउट, कम से कम 7 दिन, वो दुल्हन को एक अलग कमरे में, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और एक अलग कमरे में रखते थे ताकि इसको कहते थे कि ये भूत और चुड़ैलें, इसको क्या होगी, उसका साया हो जाएगा अगर इस दौर में बाहर गई तो, यानी कि वो भूत और जिन का साया उसको होता है सिर्फ और सिर्फ कब, जब शादी का वक्त आ जाए, तो इसलिए वो लड़का भी और लड़की भी बाहर नहीं जा सकते थे। अब तो जाहिर है शॉपिंग भी खुद करते हैं, आपको पता है। ले जी नेक्स्ट वाला, द गर्ल वाज स्केयर्ड, इफ क्रेटन वॉज एन इम्पोस्टर, क्या होगा? फ्रॉड होगा। ये तीनों मीनिंग पॉजिटिव में है, तो इसलिए क्या होगा, फ्रॉड, यानी जो बहाना करने वाला हो उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर कहते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट वाला, वाइल्ड कहां से पता चला जी आपको? सर ये तीनों पॉजिटिव हैं, गुड और बैड, तीनों पॉजिटिव में है और एक क्या है, नेगेटिव में है, तो क्या होगा, वाइल्ड होगा। और फिर यहां से भी याद रखना है, देखिएगा जरा, रूली, रूल से निकला है रूली, तो क्या मतलब होगा, जो रूल पे अमल करे वो रूली, और जो रूल पे अमल ना करे वो क्या होगा, अनरूली, ठीक है, अनरूली। जी बच्चों नेक्स्ट वाला जी, ग्लोइंग कैसे, कहाँ से पता चला जी? लैंटर्न से पता चल गया, और फेसेस ऑफ द बॉय से पता चल गया, ठीक है, रेडियंट लैंटर्न हो गया। अब फिर एक और चीज भी आप यहाँ पे इंडिकेट करेगी, आप जरा याद करें कि आप रेडिएशन क्यों कहते हैं उसको, उसे क्या निकलती है उसमें से, अनरूली, वो शुआएं निकलती हैं, तो रेडिएशन से उसी से क्या होगा, वो रेडिएंट हो जाएगा रेडिएशन से। जी बच्चों नेक्स्ट चलो, जब पोर कर रहा है, डाल रहा है, तो क्या चीज डालेगा, ग्लूम डालेगा, प्लाइट डालेगा, फ्लाइट डालेगा, या वॉटरफॉल डालेगा? वॉटरफॉल, ठीक है। जी बच्चो, द वुमन वॉज कैरियंग, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बर्ड्स हो गया, गर्ड, और क्या हिट किया बोट ने, अ स्ट्रॉम। उसके बाद है रेड हिल्स, कहाँ पे थी ये, क्या होगा, जॉर्जिया में थी, ये कह रहा आपने भी पढ़ना है।
उसके बाद है लड़की अपने साथ कार से क्या लाती है, एक फ्लैशलाइट, ये टू रीड आउट। उसके बाद इनसाइड द शिप क्या था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट वाला जी आपने करना है, ये कुछ चीजें कुछ एमसीक्यूज आएगा। कौन सा इंडिकेटिंग वर्ड्स है? लास्ट नाइट इंडिकेटिंग वर्ड्स है। कम ऑन नेक्स्ट वाला। क्यों कम्स लगाना है जी? फर्स्ट कंडीशन है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। Honesty never. Goes. क्यों लगाना है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी बच्चों। यूनिवर्सल ट्रूथ। I were. Would that के साथ क्या यूज करना है? Was happy. आप ये बता दूं, would that के मतलब क्या होता है? काश के ऐसा हो। इसके साथ हम वर लगाएंगे, had के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव मूड को शो करता है, यानी जो चीज होती नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। यानी अनरियल चीज को जब हम इमेजिन करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों नेक्स्ट वाला बताइएगा। was happy हो जाएगा, क्योंकि किससे पता चला हमें? टोल्ड से। ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट का होगा। जी बच्चों नेक्स्ट वाला है जी, आपका ऑप्शन है bragged, boasted हो जाएगा। मुबालगा रही करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करने को हम कहते हैं। जी नेक्स्ट वाला। bothering you, disturbing you. Come on. Courageously. Fight किया है तो कैसे किया होगा? Fight happily करता है बंदा? Protestingly. No. Silently करता है? Courageously करता है, जुरत के साथ लड़ता है। जी नेक्स्ट वाला। Enormous हो जाएगा, बहुत बड़ा। साइज और स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, यह भी चैप्टर आपने पढ़ लिया हुआ है। कैम्बल के बारे में कहता है कि उनकी बड़ा साइज और स्ट्रेंथ होता है, तो जाहिर है साइज और स्ट्रेंथ कितना होता है कैम्बल का? बहुत बड़ा। नेक्स्ट वाला रिवील। रिवील क्या होगा? एक्सपोज्ड हो जाएगा, ठीक है। रिवील शो करना, अनकवर करना होता है। डिस्कार्डेड पेपर से क्या मुराद? यूजलेस हो जाएगा। अब कौन से दो वर्ड जो है जिनके मीनिंग सेम है? न्यू एंड फ्रेश दोनों जो है वो क्या है? ये नहीं हो सकते। फिर वीकली और इसमें आ जाएगा तो यूजलेस आ जाएगा उसका। वैसे डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि जो इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाए, उसको हम डिस्कार्डेड कहते हैं। जी बच्चों इनिशियल स्टेजेस। अर्ली। कौन से दो वर्ड जिनके मीनिंग सिमिलर है? लास्ट और फाइनल, ये सेम मीनिंग में है। जी इमिटेशन स्टफ है, कॉपी होगा। अब जरा बाकी ऑप्शन का एनालाइज करें जी, क्या कैसे नहीं हो गए ये? जी क्या होगा? कॉपी होगा। कंजाइनिंग बीक विद बीक, बीक के साथ बीक मिला हुआ है तो क्या होगा? ऊपर वाले में जो बता रहा था वास्ट ग्रेट और रियल जो है, ये चीजों को स्टफ के लिए क्या यूज करते हैं, एक ही सेंस में आ रहा है।
तो ये कॉपी जो है वो डिफरेंट सेंस है. कंजाइनिंग बीक विद बीक के साथ मिला क्या होगा, जाहिरा मिला हुआ है तो कंबाइनिंग हो जाएगा. कंजाइन से यहाँ पे याद रखना है, ज्वाइन से साथ कंजाइन. जी नेक्स्ट वाला जी. यूनिटी हो गया, हार्मनी, मिलजुल के रहना आपस में, उसको हम कहते हैं. न्यूयॉर्क, बादशाह नुशेरवान था. नुशेरवान के बारे में याद रखना है, ये नबी के सल्लम का इरशाद भी है कि मैं एक ऐसे दौर बादशाह के दौर में पैदा हुआ जो अपने जो इंसाफ पसंद हुक्मरान था. तो क्या होगा, ये उसी का बेटा था खुसरो परवेज, जिसको नबी करीम सल्लम ने खत लिखा था लेकिन उसने खत फाड़ दिया, जिसकी सजा मिली कि वो मारा गया. तो दिस इज क्या होगा, नुशेरवान ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस. जी नेक्स्ट वाला जी. कहाँ से वैली का अंदाजा हुआ जी आपको? माउंटेन और हिल. रिवर, माउंटेन और हिल तो पहले ही पहले जो ना वो, अब माउंटेन और हिल ऊपर होते हैं पहले, सॉल्ट का मतलब ऊपर उठाना होता है. तो जाहिर है ऊपर किसको उठाएंगे, जो नीचे चीज होगी. तो क्या होगा, वैली जो है नीचे होती है. जी वेरी गुड जी. गर्ल जो है ना वो किलर से दूर भाग रही है, तो किस लिए, एस्केप फ्रॉम द, वो चक्कर लगा रही है एस्केप फ्रॉम द किलर. जी गैजेट कैसे है जी, ये भी आपने पढ़ना है, सेफ्टी रेजर की तरह है जिसके साथ कोई भी किसी के बाल काट सकता है. जी इट, इट है ये, इफ नहीं है, इट है. क्योंकि कौन सा वर्ड है जो रूटीन को इंडिकेट कर रहा है, वो सेल्डम है, तो सेल्डम के साथ हम क्या लगाएंगे, रेन्स लगा देंगे. कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? Yesterday किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट को. तो क्या आ जाएगा, रिसीव्ड आ जाएगा. ये बच्चों नेक्स्ट वाला हैव बीन हो जाएगा. हमने कहा था कि अगर सिन टाइम फ्रेम से हो तो वहाँ पे हमने क्या लगाते हैं, परफेक्ट टेंस लगाते हैं. जी क्या होगा, फायरवर्क्स जी स्टार्ट होते हैं, रूटीन में होते हैं, विल स्टार्ट होगा. जो काम रूटीन के साथ नहीं होता उसके साथ आप रूटीन टेंस नहीं लगा. मुसव्वर माइक म्यूट कर लिया करो बेटा, आवाजें देने से पहले. क्या होगा, विल स्टार्ट, दिस इज, दिस बोर्ड इज एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट बोर्ड इज गोइंग टू एन ओपन. चलें जी बच्चों नेक्स्ट वाला जी. रिडिकुलस, इलॉजिकल जी. उसके बाद अब ट्रीज है, अब जरा गौर से देखिएगा जरा, तो आप खुद मीनिंग का पता चल जाएगा. ट्रीज है और क्लाउड के साथ क्या कर रहे हैं,
हाइडिंग हाइडिंग अगर आप देखें तो जब बादल नीचे आपको नजर आ रहे हों तो ट्रीज के साथ क्या करते हैं हाइड करते हैं उसको सामने नजर आ रहे होते हैं टीजिंग टीजिंग केरसिंग होता है टच करना छूना उसको कहते हैं केरसिंग बार बार टच करने को केरसिंग कहते हैं जी रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट रॉट जंग लगना ये साइंसेज में पढ़ते हैं आप जी शाबाश नेक्स्ट वाला डेकोरेटेड हो जाएगा फर्निश्ड होगा जी केयर टेकर आप लिखा कीपर होगा केयर टेकर का मतलब जो ख्याल रखता हो उसको हम कहते हैं जी नर्वस टेंस नर्वस टेंस हो गया नेक्स्ट वाला इम्पोस्टर अभी हमने पढ़ा फ्रॉड हो गया साउंड्स बर्ड्स लो वॉइस वॉइस नहीं आवाज नहीं अच्छी लगती लुक जी द रिच लीव्स ठीक लीव्स होगा रिच से मुराद यहाँ पे ये नहीं उनके पास दौलत ज्यादा होती है बल्कि थिक से मुराद क्या है वो ज्यादा होते हैं मोरलैंड बोल्डर यहां से मुराद मोरलैंड वैसे कहते हैं हाईलैंड को कहते हैं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं है करीब तरीन जो हम सिटी का बोल्डर लिख सकते हैं ब्रूक और स्ट्रीम का सेम मतलब होता है कोई छोटी सी नदी को कहते हैं और हेल्थ जो है ना वो टोटली डिफरेंट है तो ये करीब तो एक ऑप्शन कौन सा वाला एट वाला यहाँ से मुराद बेटा फिलोसफी जो है ना वो क्या है वो बोलती नहीं है नजर आती है तो यहाँ से मुराद वॉइसेस नहीं होगा क्या होगा लुक होगा ठीक है जी नेक्स्ट वाला था तो वो जाना नहीं चाहता था ठीक है वो टायर्ड था जाना नहीं चाहता था कार क्यों नहीं चला सका क्योंकि दो स्लिप्स थी सड़क पर जी नेक्स्ट वाला जमीन पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा था इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी जी बच्चों नेक्स्ट औरत ने कहाँ से पकड़ा दी उसे शर्ट से बाहे शर्ट फ्रंट जी नेक्स्ट वाला ये आपने अभी नहीं पढ़ा अप लेफ्ट जो है इसका है मैनुअल आदमी उसके बाद एज ऑफ एलन कितनी थी 20 एज ऑफ एलन क्या थी 20 इयर्स थी उसके बाद है ही सेड दैट द रिवॉल्व्स आप सेड के हिसाब से चेंज करेंगे नहीं करेंगे No. नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो फिर हमने क्या लगाना है वहां चेंज नहीं करेंगे जी इल फॉर टू वीक्स हैज बीन हो जाएगा जब टाइम आ जाए तो परफेक्ट टेंस लगाना है हमने उसके बाद नेक्स्ट वाला Have you been teaching? होगा कौन सा ऑप्शन होगा ए वाला जी बच्चों नेक्स्ट वाला He died होगा क्योंकि पास की बात है अगो इंडिकेट करेगा ये पास की बात है जी will help
will help. क्यों? First conditional. First conditional sentence. Will help. उसके बाद है next paper है हमारा जी. जी contemptuous noise. आप जरा देखें जी ब्यूटीफुल और फेंट जो है ब्यूटीफुल और डेंटी दोनों का मतलब सेम है. फेंट और स्कॉर्नफुल में लगाना है तो कौन से नॉइस किया उसने? स्कॉर्नफुल. नफरत अंगेज हो, हकारत अंगेज है, हाँ? इस तरह से वो करती है. This was feeble. अब जिसके साथ लोड हुआ है वो टमाटरों के साथ वो फीबल होगा, कमजोर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्ग. जी उसके बाद स्केचेस अभी आया था हमारे पास, मैनी टाइम रिपीट हो रहा है. जी बेंड डाउन ये स्टूप्ड है. क्या होगा स्टूप्ड है? स्टूप्ड का मतलब क्या होगा? बेंड डाउन. नेक्स्ट वाला वुडन हैमर के साथ जो ना वो मारा. ठीक. Light up. Illuminate का मतलब क्या होगा? लाइट अप होता है. इन्वेजन का मतलब क्या होगा? अटैक होता है. जी अटैक करना, हमलावर होना. गैजेट का हमने अभी पढ़ा, यानी कुछ चीज टूल ऑपरेटस डिवाइस या अप्लायंस उसको हम कहते हैं. जी कैप्टिव फ्रीड. आज मॉडर्न एज का इंसान क्या है? आज का इंसान स्लेव है, गुलाम है ख्वाहिशात का. ये करना है, घर बनाना है, बच्चों के लिए ये करना है, तो ये मॉडर्न एज के इंसान कैप्टिव है, गुलाम है ख्वाहिशात का. जी क्वालिटीज. एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा? क्वालिटीज होगा. अल्लाह की मिजरीज होगी. बच्चों ध्यान से जरा, क्या होगा? अल्लाह की क्या होंगी? क्वालिटीज. जी शाबाश. नेक्स्ट वाला वॉर ऑन द अर्थ. नेक्स्ट ही हैड अचीव्ड हिज एंबिशन. उसने अपना एंबिशन हासिल कर लिया था. जी पनिशमेंट क्या थी? अन इन्फ्लुएंस. उस पे असर हुआ था कोई? नो, कोई असर नहीं हुआ. जी नेक्स्ट वाला किस चीज ने रिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर दिए जी, जिसके बारे में लोगों ने गेस करना शुरू कर दी? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. जाहिर है को अनयूजुअल चीज नजर आए तो तभी लोग गेस करते हैं ना, पता नहीं ये है वो है फलाना है. जी नेक्स्ट वाला जज किसको किया उसने? अभी आपने पढ़ना है एनिमल्स को जज किया. एनिमल को जज किया तो ये क्या होगा? जज. व्हेन आई सॉ हिम वाज गोइंग टू मॉस्को. व्हेन वाली क्लॉज जिसके मीने मजाफत करे वो डेफिनेट होगा या कंटिन्यूस होगा? जी अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे शो करे तो कंटिन्यूस. जी बच्चों वेलकम. Welcome हो जाएगा. After 2 years आना है तो क्या होगा? Welcome ज्यादा suitable है. As क्योंकि और फिर हाँ याद आया
कम ऑफ एज है, ये मुहावरा है। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? कम ऑफ एज का मतलब बालिग होना, मैच्योर होना। बालिग होने को कम ऑफ एज कहते हैं। तो जाहिर है ये फ्यूचर में होना है अभी जी, देने दो साल के बाद नहीं हो गया कम फ्लोर्स हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है जी। नेक्स्ट वाला हेड रन पहले काम हो नहीं, when the police arrived क्या होगा? रैन हो जाएगा, उसी वक्त भागा ना, सेम टाइम पे एक्शन है। क्या होगा? सेम टाइम एक्शन है तो दोनों का टाइम सेम है, तो इसलिए क्या होगा? रैन हो जाएगा। या बैड मैन क्यों लगाएंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और कहां से समझ आ रही है हमें यूनिवर्सल ट्रुथ की? आ बैड से, बैड 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 वर्कमैन। उसके बाद नेक्स्ट वाला डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड क्या होगा? जब कस्टम ऐसे बुरे हो जाएं तो विलेज क्या हो जाएगा? रियोन हो जाएगा। फेंस इनक्लोज्ड वो खेत के इर्द गिर्द क्या होगा? एक बाड़ होगी जिसके नेक्स्ट वाला जी क्रुकेड प्लेसेस जिसको आप कहां से पता चला जी हमें बेड का? जिसको आपने स्ट्रेट बनाना है वो पहले क्या होगी? पहले बेंड होगी जिसको स्ट्रेट बनाना ना आपने, तो क्या होगा? बेंडेड हो जाएगा। एम्बेरस हिम मेक फील जी शर्मिंदा होना। जब सवाल पूछेगी ऐसे तो क्या होगा? वो शर्मिंदा होगा। टुक आउट होगा क्यों? स्मॉल सील एनवेलप क्या है? विथड्रॉ, बाहर निकालना होता है उसको हम कहते हैं। हैंडसम है, ऑफुली है, कितना होगा जी? वेरी मच क्या होगा? ऑफुल क्या होगा? स्लाइटली बहुत ज्यादा, वेरी मच, वेरी मच होगा, ऑफुली हैंडसम। उसके बाद है असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स कलेक्शन जी। उसके असॉर्टमेंट क्या होगा जी? कलेक्शन। जाहिर है शेल है उसके पास, तो इसका मतलब शेल की क्या है? वो कलेक्शन है। शोल्डर नहीं, शेडर्ड है। शेडर्ड क्या होगा? शेडर्ड का कांपना, शिवर्स होगा। वैसे सर्दी से कांपना होता है, और वैसे जर्क लेना शेडर्ड होगा, कांप उठना, खौफ से कांपना ट्रेम्बल होगा, और सर्दी से कांपना शिवर होता, और वैसे हिलना क्या होगा? वाइब्रेट या शेक होता है जी। बच्चों रेंज हार्ड आउटर स्किन ऑफ फ्रूट होगा, उसको कहते हैं रेंड जी। टेरिफाई फ्रॉम्स क्या होगा? सिनिंग हो जाएगा जी। नेक्स्ट वाला हैंगिंग सस्पेंडेड क्या है बैकयार्ड में? ये तो पढ़ा हुआ तीसरे चैप्टर में से है। रबड़ के टायर थे जो लटके हुए थे जी। कितना ओल्ड मैन को कितना टाइम?
How many times old man had been told? कितनी दफा उसको बताया था? 40 times. 20 times in my life, a doctor has told me to sit still and be with family as long as I could. 20 मर्तबा बताया था, 30 साल लगे क्या होगा उसको बेहतर बनाने में, 40 साल पहले यही बात बताई थी. ये तीन फिगर हैं. क्या क्या बोला? 40 साल पहले डॉक्टर ने बात बताई थी, 30 साल लगे उस जमीन को सही करने में, 20 दफा डॉक्टर ने कहा. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला क्यूब शेप था जी. डेला ने 3 दफा गिना. ये क्रिश्चियनिटी में 3 दफा वो गिनना जो है होली ट्रिनिटी के साथ उसको रिलेट करते हैं. वो भी 3 को रिलेट, 3 को इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट वाला ये भी आपने पढ़ना है अभी. बसेस जो है वो स्टॉर्म को स्लो कर सकते, बसेस स्लो हो जाती हैं स्टॉर्म से. जाहिर है स्टॉर्म से यहाँ पे बसेस और इनोसेंट पीपल करीब करीब लगते हैं. तो इनोसेंट का होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, और बसेस ज्यादा करीब हैं कि मौसम खराब हो तो क्या होगा, बस लेट हो जाएगी. जी भी नेक्स्ट वाला Guides. ये बड़ा ambiguous MCQ है. ये पास पेपर में कई दफा आ चुका है, लेकिन इसका कोई और कोई नहीं है. यहाँ पे कोई भी सारे सही है, सारे लग सकते हैं, लेकिन ये पहले दो जो है वो ज्यादा सूटेबल हैं. तो उसमें से आगे प्रेजेंट है तो ज्यादा सूटेबल है कि गाइड्स वाला लगा लें, लेकिन वैसे अलग सारे सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज है. एडजेक्टिव में कोई भी टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट सी गो. क्या होगा? आई गो हो गया, ऑफन आ गया. और ऑफन को कहाँ पे लगा? ऑफन किस में लगता है? रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है. रेन्स. It usually rains होगा. कौन सा indicating word है? Usually. Next वाला. Cries. The baby. क्या होगा? Cries. He has been crying. Cries. जब जनरलाइज करना हो तो क्या लिखना है? अ बेबी क्राइज फॉर मिल्क. ठीक है, तो यहाँ पे कोई और टेंस इस्तेमाल करेंगे. जब जनरलाइज करना हो तो अ बेबी क्राइज फॉर मिल्क, ये जनरलाइज उसकी एट्रीब्यूट है. तो यहाँ पे क्या होगा? हैज बिन क्राइंग होगा. ठीक, उसके बाद स्टार्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा वो पास्ट की बात है, ये रूटीन में इस्तेमाल नहीं होते. चैलेंज जी आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, बिकॉज यू मे टेक रेस्ट बिफोर द. हाँ बे बेटा, जो पीछे फाइव एक सेंटेंस है तो उसमें स्टार्ट नहीं, स्टार्ट नहीं मैंने लगाया था, स्टार्टेड ही था, या वो विल स्टार्ट होगा. विल स्टार्ट लगाया था उसमें, स्टार्टेड का ऑप्शन ही नहीं था उसमें. ठीक है, तो जब आपने ऑप्शन के हिसाब से देखना है ना, वो अब ये जो फायरवर्क स्टार्ट हो रहा है ये आपका देखना है कि ये रूटीन में होता है. मिडनाइट को आप आतिशबाजी करते हैं, फायरवर्क का मीनिंग क्या होता है? आतिशबाजी करना. तो क्या ये रूटीन में आप आधी रात को ही करते हैं? तो ये रूटीन में नहीं होगा. तो इसलिए क्या होगा, ये किसी इवेंट को इंडिकेट करेगा या आने वाले वक्त को इंडिकेट करेगा. तो जब आने वाले वक्त को इंडिकेट करे तो फिर क्या यूज करते हैं हम? फ्यूचर लगाएंगे. फिर ऑप्शन को आपने एनालाइज करना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होगा.
और कोई क्वेश्चन? दोनों ऑप्शन हो तो स्टार्टेड वाला ज्यादा सूटेबल होगा क्योंकि ये वाक्य है एक, ठीक है, ये वाक्य है, स्टार्टेड सबसे ज्यादा सूटेबल होगा क्योंकि ये वाक्य को इंडिकेट कर रहा है जी। इसके अलावा जी कोई क्वेश्चन? तो हमें सेंटेंस था पहले आई डैश अ लेटर यस्टरडे, वहां पे हैड रिसीव आ सकता है? रिसीव नहीं आ सकता, यस्टरडे इंडिकेटर ही किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यस्टरडे के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल किया। और सर ये जो फॉर वाला सेंटेंस है इसमें इज क्राइंग आ सकता है? द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, बेबी इज क्राइंग, बहुत सारे कई दफा ये दोनों ऑप्शन जो है कई दफा ये ऑप्शन क्या होगा द बेबी के इज क्राइंग के साथ भी आया हुआ है, तो इसलिए ये द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क जब ये स्पेसिफिक बेबी है तो फिर हम किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आ बेबी क्राइज फॉर मिल्क है तो जनरलाइज करना होगा तो फिर क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे, अ बेबी क्राइज फॉर मिल्क। ये तो नहीं है ना कि स्पेसिफिक बेबी ही क्या होगा मिल्क के लिए रोता है, ये स्पेसिफिक बेबी की क्वालिटी है या ये सारे बेबी की क्वालिटी है? सारे बेबी की है। अब यहाँ पे द बेबी कह रहा है तो इसका मतलब किसी स्पेसिफिक बेबी की बात कर रहा है, तो फिर हमने फिर कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपने देखना है कि यहाँ पे इज क्राइंग ज्यादा सूटेबल अगर आ जाए तो एक दफा वो भी आया है पेपर में जी। एनी अदर क्वेश्चन? Done with your questions? Yes. Chalo, have a nice time, bachcho. Allah Hafiz.